जाफराबाद हत्याकांड में पुलिस ने 5 नाबालिगों को पकड़ा। आरोपियों ने नाजर का मर्डर करने की बात कबूली। नाजर पर किए थे चाकू से ताबड़तोड़ वार। पुलिस ने मौके से शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 10,000 रुपए बरामद। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नामी कंपनी में काम करने वाला ग्रेजुएट निकला चोर। ऑटो लिफ्टर के साथ रिसीवर भी गिरफ्तार। 3 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल बरामद। दो बार बढ़ाई जा चुकी है फ्लाईओवर निर्माण की समय सीमा। हाई टेंशन के 2 पोल बन रहे हैं बाधा। आतिशी ने अप्रैल तक काम पूरा होने का दिया था आश्वासन। गांधीनगर में जाम से परेशान हो रहे हैं व्यापारी। अवैध रूप से इलाके में चल रही है पार्किंग। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई सुविधा की गुहार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीसीएन लाइव पर। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रविवार देर शाम को हुए नाजर मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त जॉय टिर्की ने बताया कि आरोपी लड़की ने खुलासा किया है कि उन्होंने ही नाजर का मर्डर किया। मर्डर के पीछे की वजह खुलासा करते हुए आरोपियों ने बताया कि 2 दिन पहले ही नाजर ने उनमें से एक को धमकी दी थी, जिसका बदला लेने के उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। डीसीपी के मुताबिक 3 आरोपी नाबालिग है जबकि 2 बालिग है। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। आपको बता दें कि बीते रविवार के दिन जाफराबाद में शाम के समय नाजर की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान भीड़ तमाशा भीड़ बनी रही और आरोपी नाजर के सिर, गले, चेहरे, गर्दन, पेट, कमर पर चाकू से 50 से भी ज्यादा बार वार किया गया। वारदात के बाद आरोपी बिना किसी विरोध के बड़े आराम से पैदल चलते हुए मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने सोमवार को मामले में 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। गीता कॉलोनी पुलिस टीम ने एक रेडी वाले से पर्स लूटकर भाग रहे शातिर लुटेरे को मौके से पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान गीता कॉलोनी निवासी रोहित के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 10,000 रुपए बरामद हुए। दरअसल 6 मई को सुबह बुध बाजार ब्लॉक 8 गीता कॉलोनी से गुजरते समय आरोपी रोहित कमलेश नाम के रेडी वाले से बातचीत करने लगा और अचानक से रेडी वाले के गर्दन और हाथ पर धारदार हथियार से हमला कर उसका पर्स छीनकर मौके से फरार हो गया। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां रेडी के पास सड़क किनारे 8,000 रुपए नकदी बिखरे हुए थे। पुलिस पीड़ित से पूछताछ कर रही थी कि तभी पीड़ित ने एक युवक को देखा और शोर मचाया कि यही आरोपी है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के पास एक काले रंग का पर्स बरामद किया, जिसमें 2,000 रुपए नकदी, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड था। घायल कमलेश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पूछताछ करने पर आरोपी रोहित ने बताया कि उसने सर्जिकल ब्लेड से रेडी वाले पर हमला कर उसका पर्स निकाल कर भाग गया था। भागते समय वहां कुछ पैसे गिर गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाना पुलिस ने मंगलवार को मंगल बाजार से एक ऑटो लिफ्टर और कृष्णानगर से रिसीवर को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के पास से 3 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि आरोपी की पहचान शकरपुर निवासी सुरेंद्र के तौर पर हुई, जबकि रिसीवर की पहचान कृष्णानगर निवासी नवीन कुमार के तौर पर हुई। डीसीपी ने यह भी बताया कि 1 मई को लक्ष्मीनगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। टीम ने घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसके आधार पर आरोपी सुरेंद्र की पहचान हुई और उसे लक्ष्मीनगर के मंगल बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो चोरी किए गए वाहनों को कृष्णानगर के स्कूटर मार्केट इलाके में रहने वाले नवीन कुमार को बेचता था। इस खुलासे के बाद टीम ने आरोपी नवीन को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर अलग अलग इलाकों से चुराई गई 3 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बता दें आरोपी सुरेंद्र पढ़ा लिखा है और ग्रेजुएट है और एक नामी प्राइवेट कंपनी में काम भी करता है। आरोपी के खिलाफ पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज है, जबकि आरोपी नवीन अपने घर के पास वाहनों के स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाता था।
पूर्वी दिल्ली में बन रहे दिल्ली सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट रेड लाइट फ्री फ्लाईओवर जो कि आनंद विहार से दिलशाद गार्डन को जोड़ेगा, लेकिन फ्लाईओवर बनने के 2 बार समय सीमा पूरे होने के बाद भी अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पूर्वी दिल्ली की जनता को धूल मिट्टी के साथ साथ जाम का भी सामना करना पड़ता है। संवाददाता विवेक पठानिया ने जब इसका जायजा लिया तो पाया कि फ्लाईओवर का काम मुख्य रूप से लेट होने का कारण फ्लाईओवर निर्माण के मार्ग पर आ रहे 70 से भी ज्यादा पेड़, हाई टेंशन के 2 पोल हैं जिनको हटाने की परमिशन अभी तक नहीं मिली है। यह जानकारी पर निर्माण कर रहे कर्मचारियों द्वारा दी गई है, सीसीएन इसकी पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि फ्लाईओवर के निर्माण की लागत 272 करोड़ रुपए है। यह 6 दिसंबर 2023 को पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने दौरा किया था और संबंधित अधिकारी को भी इसके लिए फटकार लगाई थी और कहा था कि अप्रैल तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, इसका वादा किया था, लेकिन अप्रैल तक भी फ्लाईओवर निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया है, जिससे पूर्वी दिल्ली की जनता नाखुश है। अब कठिनाइयाँ क्या, मेन तो यहाँ जाम लग जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। अब दूसरे से ये काम सरकार का है, उसको शीघ्र पूरा करे। लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन चलना पॉल्यूशन को भी दावा देता है। हाँ हाँ, दोनों बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। सबसे बड़ा डर तो एक्सीडेंट का हो रहता है यहाँ, क्योंकि लोग इधर उधर रॉन्गली चलने लगते हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है। देखिए, मॉर्निंग टू इवनिंग बहुत ज़्यादा रश रहता है, किड्स को जो छोड़ना होता है बच्चों को स्कूल के लिए और जो आने के लिए, वो टाइम बहुत ही एक्यूट होता है। ट्रैफिक जाम 24 आवर अब रहने लग गया है यहाँ पर। डेट्स डे टू डे लाइफ में बढ़ती जा रही हैं, जो भी पुल का निर्माण हो रहा है आप देख रहे हैं, कोई ज़्यादा बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन में बहुत चल नहीं रहा है, बहुत तेज़ी नहीं चल रही है। यही मैटर्स हैं, आगे कठिनाइयाँ तो बढ़ रही हैं, सामान इधर उधर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, रोज एक्सीडेंट्स का। निर्माण से पॉल्यूशन पे क्या असर पड़ रहा है? पॉल्यूशन तो ये आनंद विहार का ये जो जितना भी कनेक्टेड एरिया है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है, हाईएस्ट दिल्ली का हाईएस्ट पोल्यूटेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शंस भी यहीं हो रही हैं, मेट्रो स्टेशन भी यही है, यूपी का बस अड्डा भी यही है, दिल्ली का बस अड्डा भी यही है। हाँ, दिक्कत हो रही है, जब धूल उड़ेगी बने जाएगा बढ़िया तो अच्छा लगेगा काफ़ी, लेकिन अभी नहीं बन पाए, जाम लग रहा है क्या? हाँ, जाम तो लग ही रहा है, हल्का हल्का देखो यहाँ से भी लग रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ दिलशाद गार्डन से, जो आनंद विहार फ्लाईओवर बनाया जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से। दिल्ली सरकार का मोटिव है कि जो रामप्रस और विवेक विहार की जो रेड लाइट है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन ये 2019 का पास हुआ 272 करोड़ से बना हुआ जो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 2 बार इसकी अंतिम तिथि निकल चुकी है। दिसंबर 6 को आतिशी का भी दौरा हुआ था, लेकिन उन्होंने भी अधिकारियों को फटकार लगाई थी कि अप्रैल तक ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अब अप्रैल 2024 भी पार हो चुका है लेकिन ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ की जो जनता से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे धूल से प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है और हमें समय सीमा खराब हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जाम लगता है। कहीं ना कहीं सरकार की कमी कह सकते हैं या जनता को सुविधा देने के लिए जो इनका दारोबार लेट होता जा रहा है उस पर भी सवाल उठ रहा है। यहाँ पे बेसिकली जो हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे करीब रोड के बीच में 70 से अधिक पेड़ हैं जो कठिनाइयों का सामना बन रहे हैं और एक्सटेंशन पोल भी हैं जो कठिनाइयों का सामना पड़ रहे हैं, जिसको हटाने की मंजूरी अभी तक सरकार नहीं ले पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। गांधीनगर मार्केट के व्यापारी काफी लंबे समय से यहां होने वाले जाम की समस्या से परेशान है। कई बार यहां मार्केट के व्यापारियों की तरफ से सरकार और पुलिस को भी इसकी शिकायतें दी गई हैं। बावजूद इसके आज भी लोगों को जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही। व्यापारियों का कहना है कि यहां पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जाम लगता है। साथ ही लोग गाड़ियों की लोडिंग का भी काम रोड पर ही करते हैं। वहीं व्यापारियों ने यह भी बताया कि यहां कुछ लोगों ने गाड़ियों के लिए अवैध पार्किंग शुरू की है, जिसके जरिए लोगों से मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इलाके में जल्द से पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की है। यहाँ पर लोग और व्यापारी आते हैं जो गाड़ियाँ लगा जाते हैं कहीं पे भी, कोई पार्किंग तो यहाँ पर है नहीं एमसीडी के अप्रूव्ड, ना ही कोई देखने वाला है। गाड़ी किसी की दुकान के आगे कोई भी लगा जाता है, अननोन पर्सन, जिसके लिए हम लोग परेशान होते हैं। हमारा माल आता जाता है तो हमें दिक्कतें आती हैं। लोडिंग यहाँ आगे ट्रांसपोर्ट है, वहाँ से खूब लोडिंग होती है, दुनिया भर के ट्रक आते हैं, टेम्पो आते हैं, वहाँ लोडिंग होती है। नहीं, ट्रक तो यहाँ शाम को ही आते हैं, रात को आते हैं, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन टेम्पो वगैरह किसी भी टाइम लोड हो जाते हैं। जाम आगे जो बन रहा है ये पुल, उसके कारण से लगता है बहुत, शाम के टाइम और सुबह लगता है, 1-1 घंटे का जाम लगा रहता है आगे लोहे के पुल से, लोग जाने में दिक्कत होती है। उधर लोहे का पुल भी बना रहे हैं,
इस चक्कर में भी जाम लग रहा है। हाँ, चालान करने के लिए तो बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं, बाकी हमने जाम वाम हटाने के लिए नहीं देखा कभी। समस्या मैडम यही है, माल वगैरह लेके जाने में यहाँ भीड़ लगी रहती है, ऑटो वगैरह गलत तरीके से खड़े होते हैं मेन सुभाष रोड जीने के पास। जो ये पुलिस वाले जो भी हैं, ये इनकी मिली भगत है क्या है, ये लोग हटाते नहीं है, बदमाशी है इनकी ऑटो वालों की, बिल्कुल हटाते नहीं है, झगड़ा करने पे उतर आ जाते हैं। दिक्कत रहती है, पार्किंग की दिक्कत है सबसे बड़ी दिक्कत, तो व्यापारी को गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, MCD की अथॉराइज्ड पार्किंग नहीं है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैडम ये पार्किंग की दिक्कत है, व्यापारी आता है वो कहता परेशानी रहती है, गाड़ी लगती नहीं है, लगती है तो ये पुलिस वाले उठा कर ले जाते हैं। जो दुकानदार हैं उनकी बदमाशी है, ज़बरदस्ती गाड़ियाँ लगाते हैं यहाँ, इस वजह से थोड़ी जाम तो मैडम हाँ लगता ही है थोड़ा बहुत, मेन सुभाष रोड जीने के पास तो बहुत जाम लगता है ऑटो वालों की वजह से। समस्या तो बहुत है जी, क्योंकि क्या है, हर कस्टमर आता है वो आके यही बताता है, भाई साहब हम गाड़ी खड़ी कर नहीं पाते और वहाँ दिक्कत इतनी है कि बस पूछो मत, किसी की ज़बरदस्ती चल रही है, पार्किंग वालों की पार्किंग ले रहे हैं, भाई 100 रुपये लेते हैं, 200 रुपये लेते हैं, अब ये तो पता नहीं, हम तो गाड़ी खड़ी करते नहीं। बाकी ये है कि जो कस्टमर आ रहा है, कस्टमर इसी चीज़ से परेशान है, पार्किंग से तो विशेष परेशान है, क्योंकि कस्टमर आके बोल रहा है और रियल है, वहाँ देखते हैं जाके बहुत लाइन से गाड़ी खड़ी हुई है, और मतलब लाइन से खड़ी है तो समझ लो कुछ पैसे लिए जा रहा होगा। जाम तो खैर देखो, अब फ्लाईओवर लग रहा है, बन रहा है, तो इस चक्कर में तो जाम पॉसिबल है, बाकी वैसे देखो आने वाला समय क्या होता है, पूरा जाम लगता है, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, करें क्या भाई, माल लेने आएगा व्यापारी तो कहीं ना कहीं तो गाड़ी लगाएगा ही अपना, अब ये तो है नहीं कि गाड़ी नीचे अपने सर पर रख के लेके आएगा। हाँ, ट्रैफिक वाले गाड़ी उठा लेते हैं, क्योंकि इन ये सारी मिली भगत चल रही है ट्रैफिक वालों की, और इनकी फ़ोन कर देते हैं भैया ये गाड़ी खड़ी है उठा लो। अब मेन चक्कर है व्यापारी गाड़ी लेके आता है, व्यापार हो नहीं रहा, क्योंकि व्यापारी आपके सामने मार्केट खाली पड़ी है, व्यापारी एक रुपए का नहीं है, तो ये पार्किंग बननी चाहिए, पार्किंग बनेगी जब ही व्यापार बढ़ेगा, अब ये क्या है व्यापार सारा ठप हुआ बैठा, और अवैध पार्किंग है, जो मर्जी आओ खड़ी कर जाओ, पैसे दो और चले जाओ, आधे आधे घंटे का हिसाब बना रखा है, कोई 100 रुपये ले रहा है, कोई 50 रुपये ले रहा है, कोई MCD की तरफ से कोई पार्किंग नहीं है, ये सब प्राइवेट पार्किंग है, जो खड़ा है जिसकी लठिया चल रही है उसी का काम हो रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, शाद्रा पुलिस ऐप, इस ऐप के जरिए जिले के बुजुर्गों का परिवार की तरह ख्याल रखेगी। इस ऐप में जिले में रिटायर्ड सीनियर सिटीजन की बीमारी, जरूरत, दवाइयां आदि की जानकारी होगी। बुजुर्ग को अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो बीट अफसर पर थाना अध्यक्ष के पास बुजुर्ग की पूरी जानकारी अपने आप ही चली जाएगी। इसके अलावा शाद्रा जिले के हर पुलिस स्टेशन में 2-2 महिला पुलिसकर्मी सीनियर सिटीजन के लिए तैनात रहेंगी, ये बुजुर्ग के पास जाकर हर रोज उनका ख्याल रखती है। शाद्रा जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि जिले में कुल 5599 सीनियर सिटीजन रजिस्टर्ड हैं। शाद्रा जिला पुलिस ने बुजुर्ग की देखभाल के लिए ऐप बनाया है, इस ऐप में बुजुर्ग के लिए जानकारी होगी, जैसे बुजुर्ग के घर में पहले कभी चोरी हुई है, बुजुर्ग के घर और बाहर में कितने CCTV कैमरे लगे हैं, उनको कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा चल रही है, किस अस्पताल में इलाज चल रहा है और कौन कौन से लोग मिलने आते हैं आदि इसकी जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही ऐप में बीट अफसर, थाना अध्यक्ष समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अगर बुजुर्गों को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो फोन करके ऐप के माध्यम से पूरी जानकारी बीट अफसर तक चली जाएगी। जिस सामान की बुजुर्ग को जरूरत होगी उसको देखकर बीट अफसर बुजुर्ग तक वो सामान पहुंचा देगा। चुनाव में लोकप्रियता पाने के लिए सभी उम्मीदवार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली से BJP के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा की, जो सफाई कर्मचारी यूनियन के कार्यक्रम में पहुंचे और शाद्रा तेली वार्ड में वाल्मीकि समाज के साथ संवाद किया, जिसमें सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपना समर्थन दिया। जब संवाददाता विवेक पठानिया ने हर्ष मल्होत्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि साल 2019 में कर्मचारियों को पक्का करने में कार्य किया था और मैं इनको आश्वासन देता हूं कि सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों के अधिकार हेतु उनका साथ हमेशा दूंगा। वहीं मौजूद पूर्व मेयर निर्मल ने कहा कि हर्षदीप मल्होत्रा को शाद्रा की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, साथ ही दिल्ली सरकार की MCD की निंदा करते हुए तंज भी कसा। वहीं सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता ने BJP उम्मीदवार को समर्थन दिया। सब्जी मंडी के पीछे जो हमारे समाज के लोग रहते हैं, विशेष तौर से वाल्मीकि समाज, मुस्लिम भाई भी यहाँ पर हैं और भी समाज के लोग हैं, पर वाल्मीकि समाज ने आज बुलाया था और अपना समर्थन दिया है, प्रसन्न है और उनको इस बात की खुशी है कि उनकी कोई बात सुन रहा है। उनकी बात सुनने के बाद, क्योंकि जब मैं मेयर था तो मैंने 5,500 सफाई कर्मचारी भाई बहनों को पक्का करवाया था, फेज मैनर में करवाया था, और खाली उतने ही नहीं पॉलिसी बनाई थी और वही पॉलिसी आज चल रही है, जिसके कारण से जो भी कच्चे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनको पक्का करने का सिस्टम बना था। इस कारण से आज वो सब लोग मुझे खुद याद दिला रहे हैं कि
भाई साहब आपने हमारी उस समय मदद की थी, क्योंकि आप हमारी बात सुनते हो, कोशिश करते हो काम करने की, उनको अपना नुमाइंदा ऐसा चाहिए, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। तो बहुत प्रसन्न है मैं आज उनके बीच में आया हूँ और मेरे को आशीर्वाद दिया है उन्होंने। MCD कर्मचारी है जो हर्ष मल्होत्रा जी का जो अभिनंदन और वो कर रहे हैं, समर्थन दिल से कर रहे हैं। आज स्वच्छता कर्मचारी यूनियन ने, उनके कार्यकर्ताओं ने आज हर्ष मल्होत्रा जी का जो अभिनंदन किया है, जो स्वागत किया है और अपनी समस्याएं बताई हैं, वास्तव में तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केवल और केवल झूठे नारे और वायदे देकर के गुमराह किया है, विशेष रूप से हमारे स्वच्छता कर्मचारियों को गुमराह किया है। और जिस तरह से निगम को पंगु बना दिया, आज निगम में उसकी सरकार है उसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे, आज तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई, जोन की कमेटी नहीं बन पाई। 2019 में एक ऑर्डर निकला था कि जितने भी सफाई कर्मचारी कच्चे हैं उनको पक्का किया जाएगा 2019 तक के, तो वही मेमोरेंडम हमने आज दिया है कि हमें आश्वस्त करें कि आप अगर सांसद बन के आते हैं तो मेरे कर्मचारी जो कच्चे हैं उनको 2019 तक के को पक्का किया जाए। तो क्या रिप्लाई मिला है उसमें? बिल्कुल, उन्होंने इंश्योरेंस किया है कि अगर हम आते हैं तो हम 2019 तक के, क्योंकि इनके ही कार्यकाल में वो आदेश निकले थे, तो अब हमने इनसे ही गुहार की है, तो निश्चित है दुनिया विश्वास भी चल रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा ACP ऑफिस में मीटिंग का आयोजन हुआ। इस मीटिंग में स्थानीय लोगों की समस्या और समाधान पर बात की गई। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या ACP भजनपुरा के सामने रखी। वहीं सभी समस्या को सुनने के बाद ACP चंद्रकांता ने आश्वासन दिया कि उनके इलाके में जो भी समस्या होगी उसका समाधान होगा, और ये भी आश्वासन दिया कि जितनी भी कंप्लेंट है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने यह भी बताया कि उनके पार्क में आज असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, इसको लेकर काफी कंप्लेंट भी ACP भजनपुरा को दी गई है, जिसको लेकर कहा गया कि वहाँ समय समय पर पुलिस की पेट्रोलिंग होगी, फिर भी अगर परेशानी दूर नहीं होती है तो वो डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार दिल्ली के पहले हीट एक्शन प्लान को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। हीट एक्शन प्लान के मुताबिक भीषण गर्मी के दौरान दिल्ली में स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा, जिसके मुताबिक दोपहर के समय कोई स्कूल नहीं चलेगा और पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जाएगी। वही सरकारी स्कूलों में 18 तारीख से और प्राइवेट स्कूल में 20 तारीख से छुट्टी हो रही है। इसी फैसले को लेकर CCN संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के कुछ पेरेंट्स से बात की, तो वही पेरेंट्स का कहना है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। गर्मी की वजह से बस ये है कि बच्चा, अब हम भी परेशान रहते हैं गर्मी में आना पड़ता है, अब बच्चे को भी परेशानी होती है। अब जल्दी भी बुला लेंगे 7 बजे तो वैसे ही सूरज जब तक निकलता है उसके बाद तो गर्मी चालू हो ही जाती है समझ लो। अभी मौसम तो ऐसा है नहीं कि जो बारिश का सब पड़ेगा या ठंडक पड़ रही है। इतनी धूप में पेरेंट्स को आना, बच्चों को लेके जाना, इतनी गर्मी में इतनी दूर से पेरेंट्स आते हैं और इतनी धूप में बच्चों को लेके जाते हैं, तो इसके लिए तो छुट्टियाँ होनी चाहिए ना। वो तो होएगी बीमारी जब गर्मियाँ इतनी है, तो जब घर में रहेंगे तो माँ बाप के आंखों के सामने रहेगा ना बच्चा, तो सेफ ही रहेगा। अभी तो गर्मी क्या, छुट्टियाँ तो पहले से ही होती आई हैं, तो अब इसमें कोई फ़र्क थोड़ी है, बच्चों को पढ़नी चाहिए जैसे सर्दियों में पढ़ती हैं ऐसे गर्मी में पढ़नी। नहीं, सुनने में तो आया पर डेट क्लियर नहीं हुई ना अभी, कितने तारीख से होगी। बच्चों को लग रहा है बीमार हो जाएंगे, कितनी तबीयत ख़राब हो जाती है धूप में आने जाने से। और स्कूल में भी ज़रूरी नहीं है कि उतना, मतलब पढ़ाया तो जाता है पर बच्चा पढ़ता ट्यूशन और घर में ही है, तो छुट्टियां तो ज़रूरी हैं, वो तो पहले से चले आ रहे हैं, हमारे टाइम से चले आ रही हैं छुट्टियां। हाँ, तो स्कूल में क्लोजिंग होनी चाहिए, इस समय तो छुट्टी कर देनी चाहिए। ये तो स्कूल की हिसाब किताब से चलता है, नॉर्मल छुट्टी तो पड़ जाती है, जैसे स्टार्टिंग में पड़ जाती थी। पेरेंट्स को ज़्यादा और बच्चों को भी ज़्यादा, ये दोनों को। पेरेंट्स को ये है कि टिकटिकाती धूप में चले जाते हैं बेचारे, अपना टाइम से आना टाइम से जाना, पेरेंट्स को सारा वर्क छोड़ के गर्मी के अंदर आना पड़ता है। बच्चों का ये है कि सुबह 9 बजे से स्टार्टिंग जो उनके ऊपर धूप का हिसाब किताब बैठता है। हाँ हाँ, बुलाना भी चाहिए मॉर्निंग में। वैसे तो इसका टाइमिंग तो ठीक है, लगभग 8 बजे का टाइमिंग है और 8 से 2 तक का है। बहरहाल ज़्यादा जैसे गर्मी को देखते हुए गर्मियाँ पड़ रही हैं, छुट्टियाँ तो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बच्चों को भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बीमारी है, अलग चीज़ का है, लू चल रही है, धूप हो रही है, बच्चों को वैसे सर्दी जुकाम हो रहा है, तो इस चक्कर में छुट्टियां तो होनी चाहिए। गर्मी तो मौसम है, वो तो होनी होना है। देखो आप हो, कोई भी हो, कोई बदल तो सकते नहीं, पर लेकिन इसका दौरान मतलब बच्चे की पढ़ाई तो होनी ज़रूरी है। भाई हमने भी दिक्कत झेली थी, हमारे माँ बाप हमें भी छोड़ते थे, पर उसके कारण तो हमें कष्ट तो झेलना पड़ेगा। घर पर जाएगा बच्चा, टाइम वेस्ट करेगा, यहाँ रहेगा पढ़ाई तो कर रहा है।
आनंद विहार आईएसबीटी से न्यू सीमापुरी पर चलने वाली डीटीसी क्लस्टर बसों की मनमानी से पूर्वी दिल्ली की जनता काफी परेशान है। आज हम बात कर रहे हैं आनंद विहार आईएसबीटी से न्यू सीमापुरी को जोड़ने वाली बस रूट नंबर 33 डीटीसी बसों की, जिनकी मनमानी सीसीएन के कैमरों में कैद हुई, जिस पर संवाददाता विवेक पठानिया ने बस स्टैंड पर खड़े होकर पीड़ितों से बात की तो उन्होंने बताया कि रोजाना 33 नंबर की बस और सभी क्लस्टर ऑरेंज बसें मनमानी करती हैं और सवारियों को भी नहीं बैठाती। हाथ देने के बावजूद भी बसें नहीं रोकते हैं। जब संवाददाता ने करीबन 30 मिनट रुककर देखा तो पाया कि करीबन इस समय सीमापुरी रूट की 33 नंबर की बस 15 से अधिक बार गुजरी, जिसमें से केवल 3 बसें ही रुकी। सीसीएन के कैमरों में ये कैद हुआ। अब पब्लिक को परेशान किया जाता, कोई भी बसें रोकता नहीं है, हाथ देने के बाद में रोकते। अगर मान लिया कोई बस में अगर कोई लेडीज बैठी है, आगे कहीं भी हाथ दे देंगे वहाँ रोक देंगे। अगर हम तुम कोई हाथ देंगे नहीं रोकते। यहाँ पे ये जो DLF से हमारे जो 333 या 33 नंबर जाती है सीमापुरी की, वो सब कोई सी नहीं रुकती है। बस नहीं रुकती है, बस स्टॉप टूट गया है तो बसें नहीं रुकती हैं, यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे अभी देखो ना कितना क्राउड हो रहा है, आप देख रहे हैं। सर बसें तो रुकती है, लेकिन ये 33 नंबर की बसें नहीं रुकती खाली, बाहर की तो रुकती हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ऑरेंज बस नहीं रुकती खाली, इग्नोर मार देते हैं और आगे निकल जाते हैं। हल्का सा ब्रेक लेते हैं, जैसे तोड़ते हैं तुरंत आगे चले जाते हैं। लेकिन हाँ देख रहे हैं ना कि बस नहीं रुक रही है, पब्लिक खड़ी हुई है, कहाँ रुक रही है, 3 बस निकल चुकी है, रुकी नहीं है। बस वालों को क्या सिस्टम है ना, इनकी तो मनमानी चल रही है। जो पुरानी DTC बसें हैं, लाल वाली ऑरेंज वाली, ये तो कभी बस खाली मुझे लगता है रोड पे दबा रहे गाड़ियों को। सुबह बे टाइम डिपो से निकलेंगी और यहाँ से बे टाइम निकलती है और रुकते हैं नहीं। आप यहाँ 10 मिनट खड़े रहिए, देखिए अगर 10 निकली तो एक भी बात कर रहे हैं। बोर्ड के बसों पीछे लिखा है कि मैं लाइन में ड्राइविंग कर रहा हूँ, आप हमें लाइन। अरे कहे की लाइन सर, उस लाइन चलते लास्ट वाली से सीधा लेके और रोकेंगे नहीं। फिर भी जो अभी आई अपनी CNG वाली और ये इलेक्ट्रिक वाली, ये तो फिर भी सही AC वाली, ये तो रोकते हैं। आप देखिए वो एक आ रही है न्यू सीमापुर, वो रोकेगा नहीं बस को, गारंटी मेरी। आप इसको कैमरे घुमा देना, वो पब्लिक देखेगा तब उसके बावजूद भी नहीं रोकेगा, सीधा निकल जाएगा। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।